हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिवाली पर जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें ऐसी कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो आप उसमें अगर डाल देते हैं तो आपके जीवन के हर संकट दूर हो सकते हैं, आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आनी बंद हो सकती हैं, आपके घर में मनहूसियत ख़त्म हो सकती है, आपके घर में जैसे होता है ना, कई बार कोई भी काम करते हैं उसमें रोड़े अटकते हैं, वो सब दूर हो सकते हैं। तो दिवाली के दिन आप ये अवश्य कीजिए, और उसके अलावा अमावस्या भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आप जब भी दीपक जलाएं तो उसके अंदर पीली सरसों, कपूर का तेल मार्केट में मिलता है मित्रों, अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बताना, आप मैं आपको उस शॉप का भी लिंक दे दूंगी, क्योंकि जयपुर में एक दो दुकानें हैं जहां पर कपूर का तेल मिलता है। तो कपूर का तेल आप ज़रूर उसमें दीपक में थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डालिए, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा लौंग का तेल भी आप एक बूंद डाल सकते हैं। लौंग का तेल मिलता है ना, डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, और केमिस्ट के दुकान पर या मेडिकल स्टोर वगैरह पर मिल जाता है, जो हम दाँत के दर्द के लिए लेते हैं। तो लौंग आप उसमें डालें या लौंग का तेल डालें, लौंग का तेल बहुत इफेक्टिव होता है, तो लौंग का तेल जरूर डालें आप, और उसके फ़ायदे आप देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और उसमें पीली सरसों हो गई, कपूर की टिकिया डाल दो या कपूर का तेल डाल दो थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा रेशियो तो आपको सरसों या तिल्ली का तेल जो भी आप लेते हैं वो लेना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको डालना है 2-3 ड्रॉप, तो वो आप लेना, और लौंग का तेल हो गया, कपूर का तेल हो गया। इसके अलावा काली कपूर भी आती है, यदि कहीं से आपको काली कपूर मिल जाए तो उसका चूरा करके थोड़ा सा चूरा भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो दीपक क्योंकि छोटा होता है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं होती कि बहुत सारी चीज़ें आप डालें, तो पीली सरसों के भी थोड़े से दाने उसमें आप डाल दीजिए, और वो दीपक आप घर के चारों तरफ लगाइए, जहाँ जहाँ आप लगाते हैं दीपक हर कमरे में लगाइए। ऐसा करने से किसी ने अगर आपको आप पर कोई टोना टोटका या कोई दुष्प्रभाव या नेगेटिविटी छोड़ रखी है तो वो भी दूर होती है, और लोग तरह तरह से नेगेटिव शार्ट्स फेंकते हैं जिससे कि दूसरे की प्रगति नहीं हो पाती है मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तो वो सब भी दूर होती है। ये प्रयोग आप करके देखना मित्रों, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।